उत्तर प्रदेश में मंगलवार को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। हाई स्कूल के परीक्षा में 89% से ज्यादा स्टूडेंट्स पास हुए हैं, वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी 75% से ज्यादा अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में सीतापुर की रहने वाली प्रियांशी ने 10वीं कक्षा में टॉप किया है। प्रियांशी के परिवार के लोग इससे काफी उत्साहित हैं। मैं टॉप किया है हाई स्कूल में, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? सर बहुत खुशी हो रही है, मतलब क्या ही कह सकते हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं हम। क्या आपका एक एम रहा कि कौन कौन से सब्जेक्ट रहे, कौन कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगे जो आपने उन पे ज्यादा फोकस किया? सर मेरे पास मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और ड्राइंग सब्जेक्ट्स रही हैं, और सबसे ज्यादा मतलब पसंदीदा की बात रहे तो मतलब मैथ थी और इंग्लिश थी। हर सब्जेक्ट में मतलब स्टडी अच्छे से उसको पढ़ना था। भविष्य में क्या करने की सोच रही हैं? सर IAS की तैयारी। प्रियांशी आप अपनी किताबों को कितना समय देती हैं? तो 4 से 5 घंटे तो डेली। आगे के बच्चों के लिए क्या मतलब? सर सब बच्चों को ये कहना चाहेंगे कि हाँ, अगर अपने अंदर डिटर्मिनेशन है और डेली पढ़ाई कर रहे हैं तो सब कर सकते हैं। तो सब लोग कहना चाहेंगे कि सेल्फ स्टडी रखें सब लोग। बड़े होकर आपकी एडमिशन क्या है, क्या बनना चाहेंगे? सर UPSC की तैयारी। इस बार की परीक्षा में एक बार फिर बेटियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। यूपी के बदायूं जिले की ये तस्वीरें, जहां पर सरस्वती विद्या मंदिर की छात्रा उन्नति ने इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में 7वां स्थान हासिल किया है। जो रिजल्ट आया है बेटा, क्या नाम है आपका और कौन सा स्थान प्राप्त किया है आपने प्रदेश में? जी मेरा नाम उन्नति शाक्या है और मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मैंने प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया है, 96.2% मेरी आई है। आगे क्या बनना चाहती हैं आप? जी मैं IAS बनना चाहती हूँ। इसका श्रेय किसको देंगी आप? सर्वप्रथम मैं इसका श्रेय मेरे विद्यालय के श्रीमान प्रधानाचार्य जी को देना चाहूँगी और मेरे सभी टीचरों को देना चाहूँगी और फिर मेरे माता पिता भी इसमें सहयोगी रहेंगे। परीक्षा की तैयारी आपने किस तरीके से की? जी परीक्षा की तैयारी मेरे टीचरों ने कराई है और घर पर रहकर मैंने अच्छे से की। तस्वीरें जश्न की हैं उन अभ्यर्थियों की जिन्होंने परीक्षा में सफलता पाई है, उन टीचर्स की जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इस मुकाम तक पहुंचाया है। ऐसी ही तस्वीरें बदायूं जिले में हैं। मेरा नाम आस्था चंद्रा है, मेरे पिता का नाम श्रीमान पवन कुमार चंद्रा है। आज मेरा रिजल्ट आया है और मेरी 95% बनी है। जिले में कौन सा स्थान रहा आपका? मेरा जिले में प्रथम स्थान बना है। कैसा महसूस कर रही हैं बेटा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपना सारा श्रेय अपने स्कूल के टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। आगे चल के क्या बनना चाहेंगे आप? मैं आगे जाके IAS की तैयारी करना चाहती हूँ। जहाँ उन्नति के स्कूल में भी जश्न का माहौल है। इस स्कूल की तमाम बेटियों ने अपनी मेहनत के बल पर एक उन्नत स्थान हासिल किया है। सफलता पाने वालों में उन्नति का नाम भी शामिल है जो IAS बनना चाहती हैं।